बीजेपी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष कोवा लक्ष्मण ने आरोप लगाया है और मुस्लिम आरक्षण के विषय में नरेंद्र मोदी के नाम का उल्लेख करते हुए सीएम केसीआर सरकार में लोगों को गुमराह किया है, ऐसा उन्होंने कहा। लक्ष्मण ने आगे कहा कि मुस्लिम आरक्षण के विषय में तेलंगाना सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतई समर्थन नहीं किया है। बार बार मोदी के नाम का उल्लेख करते हुए 12% आरक्षण को मोदी का समर्थन प्राप्त होने की बात कहते हुए केसीआर झूठा प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस रवैये के प्रति भाजपा कड़ी आपत्ति प्रकट करती है। पार्टी मुख्यालय में लक्ष्मण संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक ओर मुस्लिम आरक्षण को मोदी के समर्थन होने की बात करने वाले केसीआर दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि आरक्षण के लिए संसद में केंद्र सरकार से टीआरएस के सांसद संघर्ष करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो टीआरएस सरकार आरक्षण को हासिल करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी।